इस वीडियो व्याख्यान में हम मराठों की असफलता के कारणों की चर्चा करेंगे। सामान्यतः किसी भी राजनीतिक शक्ति की पराजय के पश्चात उसकी असफलता के कारणों की खोज स्वाभाविक है, किंतु मराठों के संदर्भ में यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मराठों ने 18वीं सदी में भारत के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर लिया था। अन्य किसी भी भारतीय राज्य से अधिक सैनिक शक्ति उनके पास थी। मराठों की असफलता के लिए किसी एक घटना और एक लड़ाई को निर्णायक बताना केवल ऊपरी सतह को ही टटोलने के समान होगा। आवश्यकता इस बात की है कि उन मौलिक कारणों की खोज की जाए जिनसे मराठों की असफलता निश्चित थी। इस उद्देश्य से हमने मराठों की पराजय के कारणों के कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित किया है, जिनका कि अब निम्न प्रकार से हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मराठों की आंतरिक क्या दुर्बलताएं थी। मराठों में एकता का अभाव था। मराठा राज्य एक राज्य नहीं बल्कि एक संघ राज्य था। बहुत से शक्तिशाली सरदार थे और पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इस मराठा संघ में विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। पेशवा माधवराव के प्रथम के समय तक यह एकता नाम मात्र की रही, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात एकता समाप्त हो गई। मराठा सरदारों पर पेशवा का नियंत्रण शिथिल हो गया। सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़ स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार करने लगे। ऊपर से उनमें पारस्परिक संघर्ष भी प्रारंभ हो गया। बड़ौदा का शासक गायकवाड़ बहुत पहले ही अंग्रेजों से संधि कर चुका था, इसलिए आंग्ल मराठा युद्धों में वह तटस्थ रहा। भोंसले ने भी कभी किसी से मिलकर कार्य नहीं किया। फलस्वरूप मराठा संघ छिन्न भिन्न हो गया और अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और एक एक करके पराजित करने का अवसर मिल गया। इस आंतरिक दुर्बलता के कारण मराठों का पतन अवश्यंभावी हो गया। आंतरिक दुर्बलता के बाद हम देखते हैं उनमें क्या प्रशासकीय दोष थे। मराठों ने कभी अपने राज्य की प्रशासकीय व्यवस्था को सुसंगठित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने नागरिकों की शिक्षा, रक्षा, विकास और नैतिक उन्नति के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया। उनका एकमात्र लक्ष्य मुगल सम्राट पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके विभिन्न प्रांतों से केवल चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करना था। अपने इस लक्ष्य से कभी ऊपर नहीं उठ सके और उन्होंने अपनी सारी शक्ति इसी में लगा दी। राज्य के नागरिकों का नैतिक विकास न होने के कारण राज्य को ईमानदार कर्मचारी और पदाधिकारी नहीं मिल सके। प्रशासन में सर्वत्र भ्रष्टाचार फैल गया। मराठा सरदार व मंत्री अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ सके। अतः जिस समय अंग्रेजों से उनका सामना हुआ, मराठे अपने जातीय गुण खो चुके थे। सामंत प्रथा और ऊंच नीच की भावना से मराठा साम्राज्य समाज में दरारें उत्पन्न हो गई थी और वे अपने आदर्शों से भटक गए थे। उत्तरी भारत से लूट मार में प्राप्त हुई संपत्ति ने उन्हें विलासप्रिय बना दिया था। भोग विलासी जीवन से मराठा सरदारों का नैतिक पतन हो गया। इन परिस्थितियों में वे अपने साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। कूटनीतिक अयोग्यता। मराठों की उनमें कूटनीतिक अयोग्यता का अभाव था। मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने में ही उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें व्यर्थ ही अहमद शाह अब्दाली से टक्कर लेनी पड़ी। राजपूत, जाट और सिख, जो मुगल सत्ता के क्षीण होने पर केंद्रीय सत्ता से मुक्त होना चाहते थे, उनसे भी शत्रुता मोल लेनी पड़ी। मराठे इस बात की कल्पना ही नहीं कर सके कि उन्हें राजपूतों, सिखों और जाटों के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः जब अफगानों से संघर्ष हुआ तब वे अकेले पड़ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक सभी योग्य मराठा सरदारों की मृत्यु हो चुकी थी। महाजी सिंधिया की 1794 में, अहिल्याबाई होलकर की 1795 में, तुकोजी होलकर की 1797 में और नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु हो गई।
उनके पश्चात मराठों को दुर्बल पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं स्वार्थी व महत्वाकांक्षी दौलतराव सिंधिया व जसवंतराव होलकर का नेतृत्व प्राप्त हुआ। इनमें योग्यता और चरित्र दोनों की कमी थी। दूसरी ओर इस समय अंग्रेज़ों को योग्य राजनीतिज्ञों का नेतृत्व प्राप्त हुआ, फलस्वरूप मराठे कूटनीतिक अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सके। आर्थिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता। मराठों ने कभी भी अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दिया। राज्य में कृषि उद्योग व्यापार को उन्नत करने का प्रयास ही नहीं किया। उचित कर व्यवस्था के अभाव में राज्य को आय प्राप्त नहीं हो रही थी। उन्होंने उत्तरी भारत के जिन प्रदेशों पर अधिकार किया था वहाँ भी उन्होंने आर्थिक ढांचे में सुधार करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो अपनी आय का प्रमुख साधन लूटमार को बना लिया था। अतः वे ना तो अपनी प्रजा को संपन्न बना सके थे और ना अपने राज्य की आर्थिक नींव सुदृढ़ कर सके थे। ऐसा राज्य जो केवल लूट के धन पर निर्भर हो स्थायी नहीं हो सकता। अब है दुर्बल सैन्य व्यवस्था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि मराठे केवल गुरिल्ला युद्ध पद्धति अथवा घुड़सवार सेना तक अपने को सीमित रखते तो शायद सफल हो सकते थे। महादजी सिंधिया को छोड़कर अन्य सभी मराठा सरदारों ने पुरानी पद्धति को ही अपनाए रखा, लेकिन इसमें संदेह है कि वे केवल गुरिल्ला पद्धति से सफल होते। यदि इस पद्धति से समस्त राज्य में मराठा साम्राज्य फैल भी जाता तो सुरक्षित नहीं रह सकता था, और विशेषकर तब जब किसी प्रशिक्षित विदेशी सेना से संघर्ष करना हो। सरदेसाई ने लिखा है कि मराठों में वैज्ञानिक युद्ध पद्धति का अभाव था, जिसके फलस्वरूप मराठा सेना में कुशलता की कमी आ गई थी। इतिहासकार केलकर के अनुसार मराठों की असफलता का मुख्य कारण प्रशिक्षित सेना, आधुनिक तोपखाना व बारूद का अभाव था। वस्तुतः मराठों ने अपने सैनिक कौशल के विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मराठा सेना की ऐसी धाक जम गई थी कि मराठा सेनाओं को देखते ही भारतीय राज्य की सेनाएं हतोत्साहित हो जाती थी। युद्ध में सफलता योग्य नेतृत्व एवं सैनिकों के मनोबल पर निर्भर करती है। 1740 तक मराठों के पास आधुनिक हथियारों का अभाव था, फिर भी वे अपने मनोबल से मुगलों से संघर्ष करते रहे। किंतु धीरे धीरे मराठों ने युद्ध को लूटमार का साधन बना लिया। इससे मराठा सेना में अधिकांश सैनिक केवल लूटमार के लिए ही भर्ती होने लगे, जिनमें मनोबल का अभाव होता था। डॉक्टर एस एन सेन ने लिखा है कि यूरोपियन सैनिक प्रणाली अपनाने के कारण मराठों को विभिन्न जाति के सैनिक भर्ती करने पड़े, जिससे उनकी सेना की राष्ट्रीय भावना लुप्त हो गई और उसमें वह शक्ति नहीं रही जो एक राष्ट्रीय सेना में होती है। डॉक्टर सेन का यह कथन पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि फ्रांसीसियों के अलावा किसी भी जाति के सैनिकों ने मराठों को धोखा नहीं दिया। सामाजिक ढांचे की दुर्बलता ये एक महत्वपूर्ण कारण है। जब हम इस पर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि मराठों में सामंत प्रणाली और जाति प्रथा के कारण सामाजिक दुर्बलताएं उत्पन्न हो गई थी। सामंत प्रणाली मराठा राज्य के विस्तार में तो सहायक थी। पहले केवल छत्रपति राजा ही सामंतों की नियुक्ति करता था, आगे चलकर पेशवा भी अपने सामंत की नियुक्ति करने लगा। इस प्रकार छत्रपति के सामंतों के साथ साथ पेशवा के भी सामंत हो गए। इन दोनों वर्गों के सामंतों ने कभी मिलकर काम नहीं किया। सर यदुना सरकार ने मराठों के पतन के लिए जाति प्रथा को उत्तरदायी ठहराया है, जिसमें जाति भेद के कारण वैमनस्य था। किंतु मराठा इतिहासकार खरे और केलकर इसको स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जाति व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही थी। यदि मराठा साम्राज्य के इस जाति व्यवस्था से मराठों का उत्थान हो सकता है तो पतन के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती, लेकिन यह तर्क भी उचित नहीं है। मराठों में पारस्परिक वैमनस्य जागीर और चौथ के कारण उत्पन्न हुआ और इस वैमनस्य को बढ़ाने में जाति व्यवस्था ने योगदान दिया।
अब है देशी शक्तियों से जो उनकी शत्रुता थी, उसने कैसे उनके पराभव को और स्पीड अप किया। मराठों ने अंग्रेज़ों के प्रभाव को रोकने के लिए भारत की देशी शक्तियों से सहयोग की अपेक्षा की, जिनमें जाट, राजपूत, सिख ये सब थे। लेकिन राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके उन्होंने उन्हें अपना शत्रु बना लिया। मुगल बादशाह की ओर से मराठों ने जाट राजा सूरजमल पर आक्रमण करके जाटों को भी नाराज कर दिया। सिख राज्यों में लूटमार करके मराठों ने सिखों को भी अपना विरोधी बना लिया। मराठों की लूटमार से त्रस्त होकर राजपूत अंग्रेज़ों का संरक्षण स्वीकार करने को तैयार हो गए। यदि मराठे, राजपूत, सिख और जाट मिलकर विदेशी शत्रु का सामना करते तो आज भारत का इतिहास दूसरा होता। मैसूर और हैदराबाद का पतन। दक्षिण भारत में तीन प्रमुख शक्तियां थीं, मराठा, निज़ाम और मैसूर के शासक। तीनों शक्तियां अंग्रेज़ों से लोहा ले सकती थी। यदि ये तीनों अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लेती तो अंग्रेज़ों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता, किंतु दुर्भाग्य से वे अंग्रेज़ों की कूटनीति और आपसी फूट के शिकार हो गए। निज़ाम व मराठों की शत्रुता तो सर्वविदित थी, अतः निज़ाम ने मराठों के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति से मैसूर को मराठों से अलग कर दिया। नाना फडणवीस ने तो मैसूर के शासक टीपू की शक्ति को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को सहयोग देने में भी संकोच नहीं किया। अतः अंग्रेज़ों ने मराठों के सहयोग से पहले मैसूर की शक्ति को नष्ट किया और फिर मराठों को भी कुचलने में सफल हो गए। नाना फडणवीस की नीतियों ने भी मराठा साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। इस समय तक मराठों के पतन के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण हो चुका था और नाना फडणवीस की नीतियों ने उन परिस्थितियों को और बल प्रदान किया। नाना का कार्यक्षेत्र केवल दक्षिण भारत था, अतः उसके लिए निज़ाम और टीपू ही मुख्य शत्रु थे। टीपू की शक्ति को कुचलने के लिए उसने अंग्रेज़ों को सहयोग दिया। फलस्वरूप टीपू के पतन के बाद दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बिगड़ गया और अब केवल अंग्रेज़ ही मराठों के एकमात्र प्रतिद्वंद्वी रह गए। नाना अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए किसी अन्य मराठा सरदार के महत्व को नहीं बढ़ने देना चाहता था। उसने तो अपने समय में सर्वाधिक योग्य सरदार महादजी सिंधिया पर भी कभी विश्वास नहीं किया। नाना ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए पेशवा माधवराव द्वितीय को न तो उचित प्रशिक्षण दिया और न ही उसे जीवन का कोई अनुभव होने दिया। अतः नाना फडणवीस की नीतियों ने मराठा संघ को अत्यंत ही दुर्बल अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया। पहले से ही निर्मित परिस्थितियों व नाना की नीतियों के कारण 18वीं शताब्दी के अंत में कोई भी कुशल राजनीतिज्ञ मराठों के पतन की भविष्यवाणी कर सकता था।